दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक्स एम्पायर की एक्सचेंज के बारे में, किस किस एक्सचेंज पर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। एंड यहां पर एक आपका डाउट है कि क्या हमको फीस देनी पड़ेगी इसको क्लेम करने के लिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरी चीज यहां पर कब एंड होने वाला है। तीसरी चीज की एक्स एम्पायर की यहां पर प्राइस क्या रहने वाली है। अब देखो यहां पर ये चीज मैंने कुछ कुछ चीजें इनमें से पहले भी कवर कर रखी हैं, क्योंकि जब जब नए नए अपडेट आते रहते हैं तो चीजें चेंज होती चलती हैं और ज्यादा क्लियर होती चलती हैं। तो बहुत सारी चीज हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से क्लियर क्लियर बातें करने वाले हैं, और एक तरह से समझ लो कि ये लिस्टिंग से पहले की एक लास्ट वीडियो है, और उससे पहले अगर कोई न्यूज ना आए तो मैं नहीं बनाऊंगा, लिस्टिंग के बाद ही बनाऊंगा कि वास्तव में आपको क्या करना रहेगा। ठीक है, यहां पर हम इनके ट्विटर हैंडल पर हैं, और ट्विटर हैंडल पर आने के बाद में यहां पर हम देख रहे हैं कि इनकी जो कम्युनिटी ट्विटर हैंडल पर दूसरे किसी जो प्रोजेक्ट है उनके कंपेयर में थोड़ी सी कम है, तो यहां से हमें पता चल रहा है, और हाइप जो देख रहे हैं हम वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो हमें पता चल रहा है कि एक्स एम्पायर दूसरे जो प्रोजेक्ट हमारे को आए गए उनसे कहीं तो बेटर देता हुआ नजर आएगा, कहीं बेटर देता हुआ नजर आएगा का मीन्स ये है कि क्योंकि कम्युनिटी कम है, पैसे देने के लिए प्रोजेक्ट के पास अगर सही है और कम्युनिटी कम है तो हर एक के बांट में जो पैसे हैं थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं। अब देखो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूज यहां पर किस किस एक्सचेंज पर आता हुआ नजर आएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भैया एंड कब होने वाला है। एंड होता हुआ नजर आएगा 17 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, 17 तारीख की रात को, यानी कि रात के 12 बजे के समथिंग ये एंड हो जाएगा जो इनका टाइम है, जो चिल फेज है बिल्कुल। 17 तारीख के बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। 17 तारीख तक आपको जितने भी क्यूस्ट वगैरह करने हैं, डेली के टास्क करने हैं, जितना भी आपको पीपीएच इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही सारी चीजें बताई कि आप जितने ज्यादा इन्वाइटीज करोगे आपको एयरड्रॉप ज्यादा मिलेगा, आपका पीपीएच जितना ज्यादा होगा पर प्रॉफिट पर आवर जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा मिलेगा, आपने जितने क्विस्ट कर रखे होंगे डेली के उतना ही ज्यादा आपको जो है प्रॉफिट या फिर बोलूँ कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये चीज कंप्लीट कर लेना रात तक जितने भी आपने जो है कंप्लीट नहीं की है, तो एंड ये चीज रिमाइंड भी कराते हुए नजर आते हैं ये भी और मैं भी और दूसरे यूट्यूबर भी। अब हमारे को टाइम पता चल गया कि कब तक का टाइम है। दूसरी चीज यहां पर हम देख रहे हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बताया मैंने, अब किस किस एक्सचेंज पर आता हुआ नजर आएगा। अगर एक्सचेंज की बात करूं तो यहां पर जो है गेट डॉट आईओ ने कंफर्म कर दिया है कि गेट डॉट आईओ के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। एंड दूसरी चीज यहां पर गेट डॉट आईओ को यहां पर इनका खुद का भी आ गया कि हाँ कंफर्म कर दिया। इसके बाद में यहां पर एक्स ऑन वॉलेट, ये जो चीज है ना, ये चीज आपको लग सकता है कि भैया बहुत मतलब इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा खासा पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखो यहाँ पर हम ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि किसी एक अकाउंट से फार्म ना करके हम 2-3-4-5-10 अकाउंट जितनी हमारी कैपेबिलिटी होती है उतने अकाउंट से हम जो है किसी भी एयरड्रॉप को फार्म करने लग जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में एक्सचेंज है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो एक लिमिटेड ही एक्सचेंजेस हैं, चाहे मैं बोलूँ कि 100 एक्सचेंज हो गए 50 एक्सचेंजेस हो गए, लेकिन एक लिस्टिंग के टाइम पर जो ये टोकन लिस्ट हो रहा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा होता है। लेकिन अगर आपने एक फार्मर ऐसा है कि जिसने 50 अकाउंट से जो है इसको फार्म किया होगा तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं, वो फिर बाद बाकी एक अकाउंट उसके बेकार चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये वॉलेट पर आता हुआ नजर आएगा तो वॉलेट तो भाई अनलिमिटेड आप बना लो क्रिएट कर लो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। कुल मिलाकर ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आ रहा है, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी आ रहा है। टोन के किसी भी वॉलेट पर आप जो इसको जो ट्रांसफर कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। टोन का खुद का टेलीग्राम का वॉलेट भी है, टोन कीपर भी है, टोन माई टोन, माई टोन, ऐसे करके बहुत सारे प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। जेन्युइन पर ही करना, ऐसा ना पड़ेगा किसी दूसरे पर करने ना, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसी दूसरी चीज की। देखो यहाँ पर वॉलेट ने भी कन्फर्म कर दिया। दूसरे एक्सचेंज की बात करें तो हमारे को जो बिटगेट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, बिटगेट ने बिल्कुल से कंफर्म कर दिया है इसको। एंड बिटगेट के ऊपर तो शायद इसकी जो है प्री मार्केट भी चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, बिटगेट ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। एंड नेक्स्ट जो हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, अगर एक्सचेंज की हम बात करें तो एक्सचेंज देखने के लिए मिल रहा है हमारे को नेक्स्ट बायबिट, बायबिट ने बिल्कुल से कंफर्म कर दिया है। बायबिट का ट्वीट भी यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में इन्होंने ट्विन अपना जो चिल फेस का बताया। इससे पहले हम अगर नेक्स्ट एक्सचेंज की बात करें तो नेक्स्ट एक्सचेंज हमारे को देखने के लिए मिल जाएगा OKX। OKX ने बिल्कुल से कंफर्म कर दिया। अगर OKX का जो ट्वीट है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर और मैं किसी एक्सचेंज की बात करूँ तो और एक्सचेंज अभी तक कन्फर्म नहीं है। जो लोग यहाँ पर बाइनेंस की बात कर रहे थे तो बाइनेंस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बाइनेंस पर बिल्कुल से यह आता हुआ नजर आ सकता है, आज नहीं तो कल। हालांकि अभी तक बाइनेंस की तरफ से या फिर मैं बोलूँ इसकी तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं है। वो आपको एक चीज़ बता दूं कि बाइनेंस पर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि क्यों आता हुआ नजर आएगा। अगर ये जो न्यूज़ है ना आप देखोगे कौन सी वाली, थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया हाँ ये जो है ये आता हुआ नजर आ रहा है किस पर, OKX पर। OKX भैया कहाँ का है, OKX भैया कहाँ का भी हो लेकिन मतलब समझने की कोशिश करो। OKX जो है ना यहाँ पर Tier 1 का एक्सचेंज है, Tier 1 का एक्सचेंज मतलब कि बाइनेंस के आसपास में ही। ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है, रेपुटेशन या फिर सारी चीज़ जो सिक्योरिटीज सब प्राइवेसी एंड एक एक चीज़ को हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख रहे होते हैं तो यहाँ पर Tier 1 के नाम में आ रहा होता है। जब हमारा कोई भी कॉइन टोकन अगर यहाँ पर
OKX के ऊपर है या मैं बोलूँ किसी दूसरी टीयर वन के एक्सचेंजेस पर है, तो थोड़ी सी आशंका और बढ़ जाती है, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है कि हाँ ये जो है दूसरे टीयर वन के एक्सचेंज पर भी आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये अगर एक तरह से समझ लो कि इसने वेरीफाई कर ली सारी चीज़ें, तो वो भी वेरीफाई करता हुआ ही नजर आएगा। अगर वो कोई भी चीज़ अगर एक जगह पर पास होती हुई चल रही है, तो दूसरी जगह पर पास होने में इतनी ज़्यादा जो है उसको हलचल, मतलब दिक्कतें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भैया हाँ हमारा जो टोकन है या फिर एक्स एम्पायर है, एक्स टोकन है, वो हमारा बाइनेंस पर आ सही, तो कल इसको अपने बाइनेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर अभी हाल फिलहाल में लॉन्च ना हो और बहुत ज़्यादा डंप भी ना जाए, तो होल्ड करके रख लेना, क्योंकि बाइनेंस पर जाने के बाद में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ भी नजर आ सकता है। इसके बाद में अगर हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताई भी है कि जो इसकी प्राइस है 0.3 times 0 के बाद में 2 से लेकर के 0.3 times 0 के बाद में 3 की प्राइस के समथिंग जो इसकी प्राइस है वो यहाँ पर रहती हुई नजर आएगी। ये सारी चीज़ कैलकुलेशन है, यहाँ पर मैं ये इस चीज़ को प्री मार्केट के ऊपर जो चलती हुई नजर आ रही है प्राइस, उसको मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ। प्री मार्केट की प्राइस अपनी अपने अकॉर्डिंग चलती हुई नजर आ रही है। मैंने जो डीप रिसर्च की है, मैंने जो अपने कैलकुलेशन की है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई रखी है ये जो प्री मार्केट है अभी से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले ही मेरी पास्ट की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसकी जो प्राइस है 0.3 times 0 के बाद में 2 से लेकर के 0.3 times 0 के बाद में यहाँ पर 3 तक की जो प्राइस है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ये जो प्राइस है प्री मार्केट की प्राइस है, ये जो आपको देखने के लिए मिल रही है समथिंग वही प्राइस है, इसी प्राइस के समथिंग लॉन्च भी होता हुआ ही नजर आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको टाइम क्लियर कर दिया, एक्सचेंज सारे के सारे क्लियर कर दिए, बाइनेंस की जो आपका डाउट था वो क्लियर कर दिए, एंड एक चीज़ यहाँ पर रहेगी कि भैया फीस लगेगी कि नहीं लगेगी क्लेम करने पर। अब इनिशियल स्टेज के अंदर अगर आप इसे क्लेम करोगे तो आपको कोई भी फीस नहीं देने वाली है, इसने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि आप जो है बिना किसी फीस के आपकी जो टाइम लिमिट रहेगी, मतलब टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप जो है इसको ऑफ चैन इसको क्लेम करोगे, तो कोई दिक्कत वाली कोई फीस आपको नहीं करनी है। डायरेक्ट अपने एक्सचेंज में, डायरेक्ट अपने किसी वॉलेट के अंदर जो आप ट्रांसफर कर पाओगे बिना किसी फीस के। लेकिन अगर आप जो है इनके टाइम पीरियड ड्यूरेशन के जो टाइम पीरियड देंगे क्लेम करने का, उससे एक्स्ट्रा टाइम आपको जो चाहिए रहेगा क्लेम करने के लिए, तो आपको जो बिल्कुल से ऑन चेन आपको जो है यहाँ पर अपना क्लेम करना रहेगा। और हम सभी को पता है कि ऑन चेन के अंदर हमें जो है फीस देनी पड़ती है नेटवर्क की, जिस किसी टाइम जब हमें पता है कि टॉन के ऊपर आ रहा है, टॉन की जितनी भी फीस लग रही होगी उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हम जो है इसको क्लेम कर रहे होंगे, डिपेंड करता है कि भैया टॉन पर कितना ट्रैफिक है उस टाइम पीरियड में। तो ज़्यादा ट्रैफिक हो तो ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, कम ट्रैफिक हो तो कम देनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ हम सभी को अच्छी तरह से पहले बैकग्राउंड की सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रिप्टो में आ रहे होते हैं नए, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी। बाकी का अगर आपका फिर भी कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, एक्स एम्पायर को लेकर के, तो मेरे को नीचे कमेंट करके या मेरे को व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। बाकी का यहाँ पर जिस दिन ये लॉन्च होगा यहाँ पर सारी चीज़ें मैं लाइव आकर आपको जो है क्लियर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको जितने भी डाउट रहेंगे मैं क्लियर करके बताता रहूँगा किस तरीके से आपको क्लेम करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी स्टेप बाय स्टेप। एक बार नहीं 10 बार मैं आपको बताता रहूँगा। अगर एक बंदा मेरे पास आया किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम को लेकर के लाइव करके बताऊंगा, दूसरा बंदा आया दूसरे को, ये सारी चीज़ चलती रहेंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। मिलता हूँ नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।